दोस्तों हाय हेलो गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस नए व्लॉग पे। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। और हम आए हैं दोस्तों एक स्कूल जहाँ पे हमें काम करना है पेंटिंग का और राइटिंग का, तो वो तो दोस्तों आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। बट दोस्तों यहाँ पे जितना भी आपको लिखावट दिखेगा वो हम ही लोग का किया हुआ है। कई साल पहले दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर काम किया था और अभी हम लोग फिर से आए हैं दोस्तों यहाँ पे काम करने के लिए। वैसे दोस्तों हमें सिर्फ एक पेंटिंग बनानी है और स्कूल का नाम लिखना है। पीछे साइड फर्स्ट फ्लोर एक बना हुआ है दोस्तों, वो दोस्तों एक मीटिंग हॉल है, उसी पे दोस्तों एक पेंटिंग बनानी है जो कि स्वामी विवेकानंद जी का है, और उसी को दोस्तों हम लोग बनाएंगे और वहाँ पर स्कूल का नाम भी लिखेंगे। तो फिलहाल शशि आया है मेरे साथ और यहाँ पर दोस्तों मैंने कई साल पहले बहुत सारी पेंटिंग बनाई है, वो मैं दोस्तों आप लोग को वन बाई वन दिखाऊंगा जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है और ख़राब भी होने लगी है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए आप पीछे आपको दिख रहा होगा कितना दूरी तक यहाँ से दोस्तों पेंटिंग बना हुआ है। हर रूम के सामने दोस्तों एक पेंटिंग बना हुआ है। तो ये प्रवेश कक्ष है दोस्तों, जो कि LKG UKG जो भी होता है वो है। यहाँ पे छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे दोस्तों ये जो पेंटिंग बना हुआ है आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता था दोस्तों जब हम लोगों ने ये बनाया था। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरा दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, कई सालों पहले हम लोगों ने ये पेंटिंग बनाया है और ऊपर राइटिंग भी किया था, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे गांधी जी के 3 बंदर भी मैंने बनाए थे दोस्तों, जो कि नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे विद्यालय प्रबंधन समिति वगैरह का नाम लिखा हुआ था दोस्तों, हम ही लोग का लिखा हुआ है। और ये पेंटिंग दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता था जिस समय हम लोगों ने नया बनाया था। इसके ऊपर से दोस्तों यहाँ के टीचरों ने वार्निश करवा दिया था, इसलिए दोस्तों ये कुछ अलग टाइप का लग रहा है, कहने का मतलब गंदा हो गया है। और यहाँ पे दोस्तों मेरा नाम भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं विवेकानंद जी का मैंने पेंटिंग बनाया था, जो कि काफ़ी साल पुराना है और काफ़ी मस्त लगता है अभी भी। और नीचे पूरा ख़राब हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इस साइड भी देखिए दोस्तों, एक पेंटिंग मैंने बनाया था जो कि आप देख सकते हैं कैसा हो गया है। कहने का मतलब पहले जिस समय नया था दोस्तों बहुत ही शानदार लगता था। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे बैनर लगे हुए हैं, और जितना भी आपको यहाँ पर लिखावट और पेंटिंग्स दिखेंगे दोस्तों ये मेरे ही बनाए हुए हैं। आप ये भी देखिए और ये भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों सरस्वती माता की मैंने पेंटिंग बनाई थी और राइटिंग भी किया था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दीप स्तुति का मंत्र लिखा हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर भी कुछ पेंटिंग्स है जो कि कार्टून वगैरह मैंने बनाया था। और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, और ये भी देखिए दोस्तों, एक मैप मैंने बनाया था जो कि शुरू में दोस्तों बहुत अच्छा लगता था, इसके ऊपर से वार्निश किया हुआ है दोस्तों इसलिए ये ख़राब हो गया। और ये भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक पेंटिंग है, कहने का मतलब हर जगह मैंने ये पेंटिंग बना रखा था। ये भी देखिए दोस्तों, और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, ये पेंटिंग ख़राब हो चुकी है पूरी तरह से, कहने का मतलब दीवार से उछड़ने लगा है। और यहाँ पर ये लास्ट पेंटिंग है दोस्तों, 2015-16 में मैंने ये सारे पेंटिंग्स बनाए थे और अब तो दोस्तों ये काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। और आज हम करने जा रहे हैं एक नया पेंटिंग स्टार्ट, जो कि हॉल पे है, कहने का मतलब मीटिंग हॉल है, उसी पे हम लोग पेंटिंग बनाएंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ के स्टाफ जो है भूल गए होंगे नल बंद करना, और वहाँ से दोस्तों पानी गिर रहा है, कहने का मतलब ये टॉयलेट है दोस्तों, टॉयलेट के ऊपर एक टंकी है तो वहाँ से पानी गिरने लगा है, तो कोई नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों, इसलिए हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कहाँ से बंद होता है हमें भी नहीं मालूम। और इस साइड में दोस्तों गेट है जो कि स्कूल का है, और इससे के पीछे साइड में दोस्तों एक पहाड़ है जो कि काफ़ी शानदार लगता है, कहने का मतलब स्कूल की खूबसूरती को बढ़ा देता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। और शशि जो है पहले ही आके यहाँ पर काम उसने स्टार्ट कर दिया है, और वो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा दोस्तों पूरा कलर, वो हम ही लोगों ने किया है, कहने का मतलब प्राइमर हम लोगों ने कर दिया है। और इसके ऊपर दोस्तों हम लोग स्केच करेंगे और पेंटिंग को स्टार्ट कर देंगे। तो शशि जो है अपना काम कर रहा है, कहने का मतलब निशान वगैरह लगा रहा है, लाइनिंग वगैरह करना है दोस्तों, तो वो शशि कर रहा है, तो वहाँ पर मेरा भी ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्तों पहले हम लोग लाइनिंग वगैरह कर लेते हैं, कहने का मतलब ग्रिड बना के आपको फिर से दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों ग्रिड जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, और करीबन आधे घंटे लगे हैं दोस्तों ये ग्रिड को हमें कंप्लीट करने में। जो लाइनिंग है हमें करने में काफ़ी दिक्कत हुआ, क्योंकि हम लोगों के पास ना टेप है ना फिर कोई स्केल है,
हम लोगों ने ऐसे ही दोस्तों कर लिया था धागा से ही। तो आप देख सकते हैं ग्रिड हो चुका है और अब दोस्तों इस पे हम स्टार्ट करेंगे स्केच, और स्केच होने के बाद दोस्तों फिर से मैं दिखाऊंगा आपको। तो फाइनली दोस्तों स्केच जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक। और अब दोस्तों इसमें जो ग्रिड लगा हुआ है उसे हम झाड़ देंगे, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और दोस्तों ये स्केच जो है परफेक्ट स्केच हुआ है, जैसा फोटो में है वैसा ही, क्योंकि दोस्तों ग्रिड का यूज करोगे तो परफेक्ट स्केच होता ही है। अगर दोस्तों आप बड़ी से बड़ी पेंटिंग बनाते हैं, आपको इसी तरह से ग्रिड कर लेना है, उसके बाद आपको स्केच करना है। तो आप ये देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। फाइनली दोस्तों हम लोगों ने जो है ग्रिड था उसे हम लोगों ने हटा दिया है। तो ग्रिड हटाने के बाद दोस्तों पूरा साफ लग रहा है, आप देख सकते हैं। इस पर डायरेक्ट मुझे कलर चढ़ाना है, तो अब तो दोस्तों आज तो मैं इस पर कलर नहीं चढ़ाऊंगा, कल ही चढ़ाऊंगा। और बैकग्राउंड में दोस्तों समुंदर टाइप का कुछ पेंटिंग है, जो कि फोटो में जैसा है वैसा ही हम लोग बनाएंगे। तो कल की वीडियो में दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा, फिलहाल जो भी है आप देखिए। तो फाइनली दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और बजरंगबली वाली पेंटिंग पे दोस्तों काम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों उसे भी कंप्लीट करना है, उसके बाद ही दोस्तों आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। और स्कूल के पेंटिंग के बारे में दोस्तों ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि ये 8 साल पुराना दोस्तों आपको मेरी पेंटिंग कैसी लगी। और इसी तरह से दोस्तों आप लोग भी अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आपको आगे जाके अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये पुराना पेंटिंग को मुझे देख के ऐसा लगता है कि मैंने नहीं बनाया है। तो चलिए, और स्वामी विवेकानंद की पेंटिंग एक ये है जो कि उसी टाइम हम लोगों ने बनाया था। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं घर, और बाहर से एक बार मैं दिखाता हूँ स्कूल कैसा दिखता है।